इतना बड़ा आंदोलन जो सदी का अपने वाकई में मानो हिंदुस्तान का ही सबसे बड़ा आंदोलन था और आज राजनीति की भेंट चढ़ गया, पॉलिटिक्स के ऊपर सेक्रीफाइस हो गया, इसका मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है और ऐसा होना नहीं चाहिए था। कौन लोग हैं इसके जिम्मेदार? जिम्मेदार इसमें दो चीज़ हो सकती है। देखो, मैं खुल के कहता हूँ, मुझे किसी कोई पद की अभिलाषा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इधर आया हूँ सिर्फ अपने सपोर्ट के हिसाब से और किसानों के लिए लड़ाई लड़ने। ये आंदोलन इस आप जो हाँ ये क्या हुआ इसमें इसमें दो चीज़ हो सकती है। या तो जो अपने किसान नेता हैं कुछ पंजाब के या इधर उधर के, या तो वो सरकार के पास उन्होंने अप्रोच की है, या सरकारों ने इसको तोड़ने के लिए सरकार ने अप्रोच करी है, पर सरकार ने इसको डिवाइड करने की पूरी कोशिश करी और लगभग कामयाब हो ही गए। हो क्या गए? हो गए कामयाब। और जिसका डरता वही हुआ। हमारी मेन जो मांग थी MSP की थी, जो मेन चीज़ है, और उसी की MSP की उसी के ऊपर बात चल रही थी, वो चीज़ पूरी हुई नहीं। पर सरकार की नज़र में हमेशा वो बात थी और सरकार उसको तोड़ने में कामयाब हुई। तोड़ने का एक ही तरीका था, डिवाइड एंड रूल, ठीक है। तो उन्होंने कुछ नेताओं से सरकार ने अप्रोच की। हो सकता है ये लोग सरकार के पास गए हों, हमको पुख्ता नहीं पता, या सरकार ने इन लोगों से अप्रोच की हो, पर ये लोग सरकार से मिले। ड्राइंग रूम में हो गया क्या फैसला? कुछ ना कुछ तो हुआ है, ठीक है। राकेश टिकैत जी कभी नहीं चाहते थे कि आंदोलन इस मोड़ पे इस तरीके से समाप्त हो। मांगे बहुत सारी हैं, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, चीज़ें बहुत चलनी थी, पर जैसा कि अंग्रेज करते हैं डिवाइड एंड रूल, तो ये चीज यहाँ पर हुई है। ऐसा नहीं लगा आपको जैसे सरकार झुकी और किसान नेता मैदान छोड़कर भागने लगे? सरकार अभी झुकनी शुरू हुई थी और सरकार झुक रही थी और सरकार को और झुकाया जा सकता था। हमारे पास इतनी ताकत थी, पावर थी, सरकार डर रही थी। तो इस मोड़ पर आकर आंदोलन खत्म करना मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से सही था, क्योंकि सरकार को हम और झुका सकते थे। इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन था। क्या लेके जाओगे? तो मुझे ये लगा कि जैसे कि सरकार ने क्या किया कि कुछ लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लिया, उससे क्या हुआ कि राकेश टिकैत का जो बहुत बड़ा संगठन था, सब जगह से उनको जो समर्थन मिल रहा था, उन्होंने उसमें सेंध लगाई। अब सेंध लगाने के कारण क्या हुआ, राकेश टिकैत जी अकेले रह गए। अब अगर इतने सारे संगठन हैं, उसमें से कुछ संगठन अगर अलग हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है राकेश टिकैत जी पे इसका प्रेशर पड़ेगा। तो प्रेशर में फैसला लिया हुआ है। बाकी राकेश टिकैत जी इसको आंदोलन को और आगे लेके जाते, ट्रैक्टरों की मांग थी, दूसरी सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से लेते, और सरकार झुकती, झुकना पड़ता सरकार को। पर बहुत ही मुझे बुरा लगा कि जिस राकेश टिकैत जी ने इस आंदोलन को इस हाइट तक पहुंचाया और सरकार को झुकाया, और ये आंदोलन अगर आप देखो तो पिछले साल ही ख़त्म हो सकता था 26 जनवरी के दिन, पर इस आंदोलन को एक ही इंसान ने बचाया, राकेश टिकैत के आंसू ने। आज तो कहीं नहीं रहे ना वो, अभी सही नहीं है उनको, आपको बेमाने मन से, और इस बात का मेरे को भी दुख है, मैं को खुश नहीं हूँ, क्योंकि हम चाहते थे बहुत कुछ कर सकते, ये आंदोलन चलना चाहिए था। सिकंदर जी, हाँ जी, क्या सरकार की साजिश का शिकार हुए हैं किसान? देखिए, सरकार ने हमारी, देखो ये मानव प्रवृत्ति होती है शुरू से ही कि इतना बड़ा आंदोलन चलता है तो सरकार तो कोशिश करती है, और सरकार अपनी चाल में कामयाब भी हुई। पर अब जैसे कि ये थोड़े से अलग थलग पड़ते हैं, अगर सभी संगठन मान जाते हैं कि हम उठने का फैसला कर लेते हैं, अभी अकेले उस चीज़ को कब तक आगे लेके चलेंगे? सर, यही बात सरदार BM सिंह ने कही थी कि ऐसा मोड़ आएगा हरियाणा पंजाब को MSP मिलती है, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर कानून वापस करने की बात आई तो वो लोग दबाव बनाएंगे और जो UP या उत्तराखंड का किसान है वो खाली का खाली रह जाएगा, और आखिर आज वही हुआ। ये हमेशा से होता है, पर मेरे को जहाँ तक मेरे दिल में अभी यही आपको मैं कह सकता हूँ कि राकेश टिकैत जी को इस लड़ाई को आगे ले जाना चाहिए था, और आगे इसको ले जाना चाहिए था, पीछे इनको थोड़ा सा रखना चाहिए था। मुझे लगता है राकेश टिकैत जी में वो बात है, वो कैपेबिलिटी है कि अकेले इस संगठन को फिर आगे खड़ा कर सकते हैं, मुझे मेरा ऐसा मानना है। अभी भी अगर राकेश टिकैत जी अपने जीत पर अड़ जाएँ कि नहीं मैं इस आंदोलन को आगे लेके जाऊंगा और अपनी MSP की गारंटी मनवा के रहूंगा और अपने, तो मुझे लगता है कि उनको पूरा जन समर्थन मिलेगा और पूरी ताकत मिलेगी। मुझे लगता है कि राकेश टिकैत जी को अभी भी समय है अपने फैसले लेने चाहिए,
मुझे लगता है वो अकेले ही टाइगर हैं इस पूरे खेल के अंदर और अकेले शेर हैं और उनको आगे लड़ना चाहिए मेरा। लेकिन जो कमेटी बनी है 5 लोगों की उसमें उनका नाम ही नहीं है टिकैत साहब। नहीं वो कोई बड़ा इशू नहीं है, वो तो उन्होंने कोई नाम आगे रेफर किए, 4-5 नाम है, वो नाम आगे गए, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। अब जो कमेटी बनेगी उसमें होगा क्या नाम लगता है? नहीं नाम देखो कोई मेन फैक्टर नहीं है, वो तो खुद ही वो चाहते तो कुछ भी कुछ कर सकते हैं भाई। मेन चेहरा कौन है? मेन चेहरा राकेश जी हैं, उसी की वजह से ये आंदोलन चला है। बाकी आंदोलन तो 1 साल पहले ही खत्म था, इस मोड़ तक भी तभी मेन चेहरा तो ये कहता पहले भी जब जहाज डूबा तो सबसे पहले चूहे भागे थे और वो एक ही आदमी था शेर जो डटा रहा आखिर तक लड़ा रहा। लेकिन मैन चेहरे की जिसकी बात कर रहे हैं या शेर या टिकैत साहब कहें वो तो नहीं चाहते थे कि बिना गारंटी के हम यहाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये पॉइंट आपने भी कहा ना कि बिना गारंटी के नहीं हटे, बस यही बात थी। फिर अचानक अचानक देखिए मैं ये कहता हूँ इस दुनिया में पॉलिटिक्स बहुत हावी हो जाती है इंसान की बस की बात, क्या करे एक इंसान क्या करे। ड्राइंग रूम में फैसले हो गए क्या? कुछ ना कुछ हुआ है, सरकार ने इसको तोड़ने में कामयाब हुई, कुछ आदमी को अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया, विश्वास में ले लिया, कुछ हट गए। अब हम इतने सारे लोग हैं, सरकार कुछ को इधर कर लेगी कुछ को इधर कर लेगी, अब सबका फैसला है। ये सब शुरू से ही साथ चल रहे हैं तो राकेश डिगे जी भी क्या करे, वो भी आखिर एक इंसान है। जिन किसानों की जान गई है उनके परिवारों को क्या मिला? परिवारों को मिलना चाहिए था, उनको मुआवजा मिलना चाहिए था। मैं भी इसलिए आया था, हर बार की लड़ाई लड़ने के लिए आया था, अभी भी एक इशारा हो तो सब लोग इधर तैयार हैं उनके एक इशारे पर लड़ने के लिए, पर क्या करें अभी हटना पड़ रहा है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। हाँ जी किसान कहते थे कि 2024 तक हम डटे रहेंगे जब तक MSP नहीं मिलेगी, लेकिन पहले ही यूटर्न ले गए किसान तो। बस बस वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी क्या कर सकते हैं, दुख का विषय है, दिल में पीड़ा है, बाकी बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं चाहता था, ये बहुत मेरे को अच्छा नहीं लगा। योगेंद्र यादव का नाम निकल के आ रहा है कि देखिए हाँ आपने अच्छा सवाल किया है, योगेंद्र यादव जी की बात कर रहा हूँ, वो बहुत ही सुलझे और पढ़े लिखे आदमी है। मेरा दिल से मानना है कि योगेंद्र यादव जी का इसमें किसी प्रकार का कोई बिल्कुल नहीं हो सकता, वो बहुत अच्छे इंसान है। दूसरा किसी का हो सकता है मैं गारंटी करके कह सकता हूँ, बाकी योगेंद्र यादव जी का नहीं हो सकता। वो आदमी उन्हें लिया जा रहा है, निशाने पर तो उन्हें लिया जा रहा है। नहीं 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 योगेंद्र यादव जी का अगर किसी का है तो मेरी तरफ से पर्सनल मैं मानता हूँ योगेंद्र यादव जी का नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता मैं कह सकता हूँ आपको, क्योंकि वो ऐसे इंसान है ही नहीं, वो चालबाज ये सब करने वाले इंसान, दूसरे आदमी का पक्का रोल है। लखीमपुर कांड पर कुछ सहमति नहीं बनी? लखीमपुर कांड है वो भी हमारा आधा अधूरे रह गया अभी तक, वो जो उनके पिताजी है वो अजय टेनी है, सब बहाल है, सब चल रहे हैं आराम से चल रहे हैं, तो ये इशू भी हमको सॉल्व करना था, हम कर पाए क्या? ज्यों का त्यों है। अगर ये चीज़ इतनी आसान होती MSP की लड़ाई तो पहले हम जीत चुके होते। MSP की कोई छोटी लड़ाई थोड़ी थी, और ये एक ही इंसान था जो लड़ सकता था MSP की लड़ाई को, राकेश टिकैत, इसके अलावा कौन लड़ सकता है? इतना बड़ा जन आंदोलन कभी खड़ा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता वापस। तो हमको डटे रहना चाहिए था, इस मोर्चे पर लड़ना चाहिए था। अब इनके पास सबके पास क्या मैसेज जा रहा है कि भाई ये बिना MSP के सरकार ने तोड़ लिया, ये खुश हो रहे हैं अंदर अंदर, BJP वाले RSS वाले अंदर अंदर खुश हो रहे हैं कि हमने अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल कर दिया, इनको तोड़ दिया। पर इनको ये नहीं पता, आप क्या कह सकते हैं, पर दुख का विषय है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बाकी सब लोग अचानक कैसे हुआ 15 ही दिन के अंदर कानून वापस हो गए, कमेटी बनने की बात हो गई, सहमति बन गई, 15 जनवरी को बात हो गई उसका भी दिन रखा गया। भयंकर पॉलिटिक्स हुई है, भयंकर पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं ना, पॉलिटिक्स की हाइट वो यहाँ देखने को मिली है। पर राकेश टिकैत जी को थोड़ा सा सूझबूझ से काम लेना चाहिए था और इन लोगों को अपने विश्वास में लेना चाहिए था कि तुम लोग प्लीज़ पीछे मत हटो, हमारी लड़ाई अभी हाइट पे है और हर जगह से जन समर्थन हमको मिल रहा था। इससे इस आंदोलन से पहले कभी सरकार नहीं झुकी, सरकार को हमने डरा दिया, घुटनों पे ला दिया, थोड़ी सी ताकत और लगाते तो किला फटा था। ये मानती है MSP पे मानती है, पर अभी मजदार पे अभी आप ही समझते हो ज़्यादा कुछ अभी कुछ हो नहीं पा।